और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं सबसे पहले मनाली को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि जिन्होंने बस्ती से निकलकर न केवल उस बस्ती का और बुरिगली का नाम गौरवान्वित किया बल्कि भारत देश का नाम उन्होंने गौरवान्वित किया। और आपके आने के पहले भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि कितना सामिप्य और स्पेन की स्पोर्ट्स का, भारत की कल्चर का कितना सामिप्य है कि जिस प्रकार से हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के समय पूरा दही हंडी का बड़ा उत्सव करते हैं और उसी प्रकार से स्पेन में भी ये इसी प्रकार का स्पोर्ट्स वहां पर किया जा रहा है, तो निश्चित ये बहुत बड़ी और बहुत ही अनोखी बात है। और वहां के स्पोर्ट्स में भारत का इतना बड़ा वहां पर योगदान है और मुझे लगता है सबसे मजबूत योगदान मनाली का है, उसको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये माता पिता के लिए तो गौरव की बात है ही है, लेकिन साथ ही साथ परिवार के लिए भी गौरव की बात है, बोरीवली के लिए, मुंबई के लिए और भारत के लिए। दो प्रतिभाएं यहाँ पर हैं हम सभी के सामने। एक प्रतिभा मनाली का है जो एक खिलाड़ी है, जैसा सभी ने बताया कि आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब ने अपने जीवन में अनेक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। और दूसरी तरफ वो प्रतिभा भी है आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब की निगाहें और उनकी आंखें जो प्रतिभाओं को पहचान लेती है। मैं कुछ दिन पहले यह चर्चा कर रहा था कि अब जो एक नई परंपरा बनी है राजनेताओं की या उद्योग जगत में या कहीं पर भी, तो नई प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाते, उनको नर्चर नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी खूबी आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब में है कि वो बहुत ही कम समय में उस व्यक्ति को पहचान लेते हैं और एक मार्ग बनाते हैं ताकि वो जीवन में यश कमाए और आगे बढ़े। मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई शेट्टी साहब को भी देना चाहूंगा। ये सम्मान तो उन्होंने ऑफिस में कर ही दिया था, लेकिन समाज के बीच में उनका सम्मान होना, लोगों के बीच में होना, देश के सामने ये बात जाना, ये सोचने वाला व्यक्ति बहुत ही मूल्यवान होता है और अभूतपूर्व होता है, उसकी कल्पना बहुत बड़ी होती है। और मैं ये भी मानता हूं कि जब एक ट्रेन होती है जो तेज रफ्तार से चलती है, उसे ये नहीं पता होता है कि ट्रेन की पटरियों के आसपास जो कागज के टुकड़े पड़े हैं वो ऊंचाई पा जाते हैं केवल उस ट्रेन के जाने से। आदरणीय शेट्टी साहब, आपके गुजरने से, सोचने से, करने से न जाने कितने लोगों को कितनी ऊंचाई मिल जाती है, ये बात का प्रमाण है। मैं फिर से मनाली को बधाई देना चाहूंगा और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।